Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series. And here is a book, Science Spark. Today we are going to start chapter number 8 and the name is Birds. So in this chapter we are going to learn about birds. So let's see what all topics we are going to cover in this chapter. So we are going to learn about birds, their feathered living beings. So ये क्या है, ये feathered living beings है जिनके feathers होते हैं. Now how do a birds fly? कैसे एक bird जो है fly करती है. Feathers क्या होते हैं, beaks क्या होते हैं, feet and claws of birds. Feet क्या होते हैं, claws क्या होते हैं, and nest. So these all topics we are going to cover in this chapter. Let's start with the warm-up. Identify and label the different parts of birds that help it to do. So, आपको क्या करना है? Fly करने के लिए कौन से part की ज़रूरत होती है bird को? आपको क्या करना है? उस part को identify करना है या फिर label करना है? Eat कैसे करते हैं bird? And sit on a branch. Branch पे बैठने के लिए कौन सा part use करते हैं? These all things you have to label in the given picture. Let's start with the birds who are also called as feathered living beings. So birds are the only animals that have feathers. So birds sirf ek aise iklaute animals hain jinke paas kya hote hain, feathers hote hain, pankh hote hain. A bird has a pair of wings and a tail. Jo bird hai uske paas पैर होते हैं विंग्स के, मीन्स पंख के, और एक होती है टेल. द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. ये जो विंग्स हैं और ये जो टेल है इसकी मदद से ही बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं. अ बर्ड हैज़ अ हार्ड बीक दैट हेल्प्स इट टू कैच होल्ड एंड ईट फूड. सो ये जो बर्ड है इसके पास होती है एक बीक. बीक मीन्स इसकी चोंच, जो क्या करती है फूड को कैच करने में, उसे पकड़ने में और उसे खाने में हेल्प करती है. बर्ड्स हैव टू लेग्स टू मूव ऑन लैंड. तो बर्ड के पास दो लेग्स होते हैं जिससे वो लैंड पे चल सकते हैं. दे हैव अ पेयर ऑफ आइज वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. इनके पास दो आंखें होती हैं जो उनके बॉडी के दोनों साइड्स में होती हैं. बर्ड्स हैव ईयर होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड. हेड के कोने में आप देखोगे वहाँ पे आपको ईयर होल्स दिखाई देंगे, आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे उनके बीक के पास, उन्हें ईयर होल्स कहा जाता है. बट वी कैन नॉट सी देम एज दे आर कवर्ड बाई फेदर्स. हम उन्हें नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, वो फेदर्स से ढके हुए होते हैं. हाउ अ बर्ड फ्लाई. सो बर्ड अब कैसे उड़ती है. सो वेन अ बर्ड has to fly it lifts itself in the air by flapping its wing. अगर बर्ड को जब उड़ना होता है तो क्या करती है, वो अपने पंखों को हवा में फ्लैप करना शुरू कर देती है और ऐसे ही क्या होता है, वो उड़ना शुरू कर देती है. There are two ways in which the wings move. दो तरीके हैं जिससे wings move करते हैं. तो पहला है upstroke. इन अपस्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपस्ट्रोक में क्या होता है, विंग्स ऊपर और पीछे की तरफ जाते हैं. सो ये है अपस्ट्रोक, ऊपर एंड पीछे, बैक. डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. अब डाउन स्ट्रोक में जो विंग है नीचे जाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं. When the bird has to land, जब bird को land करना होता है, ज़मीन पे आना होता है, it spread out its wing and glide down smoothly without much flapping. So वो क्या करती है, उसे अगर ज़मीन पे आना होता है तो वो अपने जो wing है उसे जो है फैला लेती है और नीचे की तरफ glide down करने लग जाती है. Without much flapping means अपने पंखों को बिना फ्लैप किए वो आसानी से ही वो नीचे आ जाती है. अ बर्ड इन फ्लाइट पोजिशन. आप देख सकते हो कैसे जो है बर्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन ले रही है, कैसे वो उड़ रही है. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव लाइट बॉडीज. जो बर्ड्स हैं
वो क्यों उड़ सकती हैं? इसलिए उड़ सकती हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है. वेल फॉर्म्ड विंग्स एंड स्ट्रांग मसल्स, उनके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और विंग्स जो हैं बहुत ही अच्छे से बने हुए होते हैं. दे ऑल्सो हैव बोट शेप्ड बॉडीज, उनकी जो बॉडी होती है वो बोट के शेप की होती है. दिस शेप हेल्प्स देम टू फ्लाई, और ये जो शेप है इसके वजह से वो आसानी से उड़ पाती हैं. चिल्ड्रेन डू यू नो दैट कीवी इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, आपको क्या पता है कि कीवी जो है एक बर्ड है जिसे हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं. विच हैज़ फाइन फेदर्स दैट मेक इट लुक फरी, उसके जो पंख होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फरी मीन्स घनी दिखती है. इट हैज़ नो टेल फेदर्स एंड इट विंग्स आर वेरी स्मॉल, उसके पास जो टेल फेदर्स नहीं होते और उसके पंख भी जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. और फ्लाइटलेस का मतलब कि वो उड़ नहीं पाती है, तो वो ना उड़ने वाली बर्ड्स में से एक है. Now let's learn what are feathers. So feathers are the most unique feature of a bird. ये जो feathers हैं वो क्या है, bird की body का बहुत ही unique feature है. They help the bird to fly. ये क्या करते हैं, bird को fly करने में help करते हैं. To keep itself warm, उसे गर्म रखने में help करते हैं. And to camouflage, और उसे camouflage means अपने जो surrounding है उसमें छुपने में help करते हैं. फेदर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फेदर तीन तरीके के होते हैं. पहला आता है आपका बॉडी फेदर, दूसरा आता है डाउन फेदर एंड द थर्ड वन इज फ्लाइट फेदर्स. अब आप देख सकते हो तीनों के पिक्चर भी आपके सामने है. सबसे पहले आता है बॉडी फेदर. सो दे कवर द बॉडी विंग एंड टेल, ये जो बॉडी फेदर है ये क्या करते हैं, बॉडी को, विंग्स को और टेल को कवर करते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं. देखिए वह स्मूथ शेप टू अ बर्ड, ये क्या करते हैं, बर्ड को एक काफ़ी अच्छा स्मूथ शेप देता है. नेक्स्ट आते हैं डाउन फेदर्स. सो दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, ये जो फेदर्स हैं ये बॉडी के काफ़ी पास आपको मिलेंगे. अंडरनीथ द बॉडी फेदर्स, बॉडी फेदर के नीचे. दे आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म, ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वार्म रह पाती है. नेक्स्ट कम्स फ्लाइट फेदर्स. सो लॉन्ग फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग फेदर्स ऑन द विंग्स एंड टेल हेल्प द बर्ड टू प्ले. सो ये जो लॉन्ग फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जो फेदर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एंड ये विंग्स और टेल दोनों ही हिस्सों में होते हैं जिसकी मदद से क्या करती हैं, बर्ड जो है प्ले कर सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं. एंड दे आर नोन एज फ्लाइट फेदर्स, और इन्हें फ्लाइट फेदर्स के नाम से जाना जाता है. नाउ चिल्ड्रन डू यू नो दैट बर्ड्स एक्सपोज टू कोल्ड ऑफन हैव अ वार्म कोट ऑफ सॉफ्ट फेदर्स, आपको क्या पता है कि वो बर्ड्स जो कोल्ड एरिया में रहती हैं उनके जो फेदर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म होते हैं, एज अ कोट वर्क करते हैं वो, कवरिंग देयर लेग्स एंड फीट टू कीप देम वार्म. वो क्या करते हैं, ये जो फेदर्स हैं उनके पैरों को, उनके फीट को, उनके लेग्स को कवर करके रखते हैं ताकि उसे वार्म रख सके, बर्ड वार्म रह सके. नेक्स्ट कम्स बीक, अब हमने पढ़ा फेदर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीक्स. So a bird uses its beaks to catch and eat food and to feed its young one. A bird क्या काम करती है अपने beak का, वो use करती है इसे किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, खाने को खाने के लिए और अपने जो young ones अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. Different birds have different kinds of beak. अलग अलग जो birds हैं उनके पास अलग अलग तरीके के beak भी होते हैं. To suit the type of food they eat. जिस तरीके का खाना वो खाते हैं उस तरीके के उनके बीक बने हुए होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ बीक्स, किन किन तरीकों के बीक्स होते हैं. तो पहला आता है शॉर्ट एंड हार्ड बीक. शॉर्ट मीन्स छोटा एंड हार्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत बीक. सो बर्ड्स सच एज स्पैरो, पीजन एंड पीकॉक हैव शॉर्ट हार्ड बीक. ये जो बर्ड्स हैं जैसे कि स्पैरो मीन्स चिड़िया हो गए, पीजन कबूतर हो गए या फिर पिकॉक्स, इनके जो बीक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे और हार्ड होते हैं.
टू क्रैक ओपन सीड एंड ग्रेन्स. क्यों? क्योंकि ये ग्रेन ईटिंग बर्ड्स हैं, तो ये जो है सीड्स को खाती हैं, ग्रेन्स को खाती हैं, तो इसलिए उनके जो बीक हैं वो काफ़ी छोटे और स्ट्रांग होते हैं. नेक्स्ट कम्स कर्व्ड बीक. आप देख सकते हो ये बीक का जो शेप है कैसा है, कर्व के शेप में है. सो पैरट हैज़ अ कर्व्ड बीक. पैरट का जो बीक है वो कर्व्ड होता है. दैट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट. ये जो बीक है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है नट्स को क्रैक करने में और हार्ड फ्रूट्स को क्रैक करने में, ये बीक हेल्प करता है. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक. अब हम पढ़ेंगे ये तीसरे तरीके के बीक जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, नुकीले हैं और हुक के शेप के हैं. आप देख सकते हो कैसे ये हुक का शेप का बीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी. सो कार्निवोरस बर्ड्स सच एज ईगल, वल्चर एंड काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स. सो जितने भी कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल, वल्चर या फिर काइट, इनके जो बीक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होते हैं. दीज बीक्स हेल्प देम टियर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. ये जो बीक्स हैं हेल्प करती हैं इन्हें अपना जो भी खाना रहता है उसके फ्लैश को टीयर आउट करने में, जैसे कि इनका खाना होता है माइस, स्क्वेरल एक्सेट्रा. दीज बर्ड्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. और ऐसे बर्ड्स को हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं. नेक्स्ट कम्स स्ट्रॉन्ग चिसल शेप्ड बीक. अब जो अगला बीक है वो है स्ट्रॉन्ग चिसल शेप्ड बीक. सो अ वुडपेकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चिसल शेप्ड बीक. जो वुडपेकर है उसका जो बीक है वो चिसल के शेप का होता है. चिसल ऐसा होता है. इट हेल्प्स इट टू ड्रिल होल इन वुड एंड पुल आउट इंसेक्ट. ये एक जो बीक है वो क्या करता है, वुड में होल्स को ड्रिल करने के काम आता है. आपको पता है वुडपेकर जो है ट्रीज में रहती है, तो ये उसमें अपने बीक से घर बनाती है और फिर उसमें रहती है. सो दीज टाइप ऑफ बीक हेल्प देम टू ड्रिल होल इन द वुड एंड पुल आउट इंसेक्ट. और अगर कोई इंसेक्ट है उसके अंदर तो उसे खींच के बाहर निकालने में हेल्प करती है. स्पून शेप्ड बीक. अब जो है कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जिनके जो बीक है वो स्पून के शेप के होते हैं. अ स्पून बिल हैज अ स्पून शेप्ड बीक. स्पून बिल जो है उसका जो बीक है वो स्पून के शेप का है. इट इज यूज टू गैदर टैडपोल्स एंड स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर. और ये जो बीक है वो किस काम आते हैं, टैडपोल्स या जो दूसरे छोटे वाटर एनिमल्स हैं उन्हें पॉन्ड में से इकट्ठा करने के काम आते हैं. तो ये थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. अगला बीक आता है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. सो डक हैज अ ब्रॉड फ्लैट बीक. जो डक है उसके जो बीक होते हैं कैसा होता है, ब्रॉड और फ्लैट बीक होता है विथ होल्स ऑन द साइड. और उसके साइड में आपको होल्स दिखाई देंगे. इट टेक्स इन मडी वाटर विथ वर्म्स. ये क्या करता है, जो पानी है उसके अंदर ही अपना अपने जो है मुंह डालता है, उसमें से जो मडी वाटर है उस जिसमें जो है इसके वर्म्स, इंसेक्ट्स ये सब चीज़ें मिलते हैं, तो ये जो है उस मडी वाटर को अपने बीक में ले लेता है. तो ये जो होल्स बने हैं इसके बीक पे, उससे क्या होता है, उस सारा वाटर बाहर आ जाता है और सिर्फ फूड उसके मुँह में रह जाता है. सो मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल्स. मडी वाटर इनके होल से बाहर निकल जाता है एंड लीव्स द वर्म, इंसेक्ट एंड प्लांट इनसाइड. और ये जो वर्म्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सबको मुंह के अंदर छोड़ देता है. सो डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. नाउ लेट्स लर्न अबाउट फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स. तो चलिए वह पढ़ते हैं जो बर्ड्स हैं उनके फीट और क्लॉज कैसे होते हैं. सो बर्ड्स फीट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. जो बर्ड्स हैं उनके जो फीट हैं वो दूसरे एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं. दे हैव थ्री टोज विच पॉइंट टू द फ्रंट एंड अ शॉर्ट टो विच पॉइंट बैकवर्ड. तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनके तीन जो टोज होते हैं वो फ्रंट की तरफ होते हैं और एक जो टो होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैकवर्ड होता है. द शेप एंड साइज ऑफ द बर्ड्स फीट एंड क्लॉ डिपेंड अपॉन वेदर वेयर इट लिव्स एंड वॉट इट ईट्स. तो ये जो शेप होता है या जो साइज होता है बर्ड के फीट का या फिर क्लॉज का डिपेंड करता है
कहाँ पे ये रहते हैं और क्या ये खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके क्लॉज होते हैं। बर्ड्स यूज ए टोस टू कैच फूड, ये जो बर्ड्स हैं वो अपने टोस को यूज़ करते हैं फूड को कैच करने के लिए। टू ईट फूड, फूड को ईट करने के लिए। एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, और एनिमीज से बचने के लिए। एंड टू मूव अराउंड, और इधर उधर मूव करने के लिए। तो आप देख सकते हो बर्ड में जो है 3 फ्रंट टोज हैं और 1 टो जो है पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। सो दीज आर द टोज ऑफ पर्चिंग बर्ड्स। नेक्स्ट, पर्चिंग बर्ड्स के अब टोज कैसे होते हैं। सो बर्ड्स लाइक स्पैरो, पीजन एंड क्रो हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक। सो ये जो बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो हो गई या फिर पीजन या फिर क्रो, इनके जो है 3 टोज आप देख सकते हो आगे की तरफ होते हैं और 1 पीछे की तरफ। दिस हेल्प्स देम टू होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री फर्मली, इसकी मदद से वो आराम से किसी पेड़ की टहनी को पकड़ पाते हैं। दे कैन रिमेन सीटेड और स्लीप एट नाइट ऑन अ ब्रांच, और इन पंजों की वजह से ही, इन क्लॉज की वजह से ही वो आराम से पेड़ पे बैठे बैठे पूरी रात भी सो सकते हैं। इसे ही पर्चिंग कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। सो यू हियर यू कैन सी अ पिजन इज अ पर्चिंग बर्ड। नेक्स्ट कम्स क्लाइंबिंग बर्ड्स। सो बर्ड्स लाइक वुडपेकर एंड पैरट्स हैव 4 क्लॉज, 2 क्लॉज इन अपवर्ड एंड 2 क्लॉज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये जो बर्ड्स हैं जैसे कि वुडपेकर हो गया या पैरट हो गया, इनके जो है 2 क्लॉज जो है आगे की तरफ होते हैं और 2 क्लॉज पीछे की तरफ होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लॉज हेल्प देम टू क्लाइंब ब्रांचेस ऑफ ट्री, और ये जो क्लॉज है इन्हें हेल्प करती है ब्रांचेस को चढ़ने में। नेक्स्ट, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। अब हम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। Flesh eating birds like eagle have sharp and curved claws called talons. ये जो ईगल हैं या ये जो भी flesh eating birds हैं या carnivorous birds हैं, इनके जो ये पंजे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, curved होते हैं, इन्हें हम talons कहते हैं। To catch their prey, ये जो help करते हैं अपने शिकार को पकड़ने में, उसे catch करने में। So here you can see the picture of strong and sharp claw of an eagle. So यहाँ पे children हमने बहुत सारे birds के अलग अलग तरीके के पंजों या फिर claws के बारे में पढ़ा। Next is scratching bird. So birds like the hen and quail use their feet to dig the ground in search of buried seed and insects. So कुछ birds ऐसी हैं जैसे कि hen हो गई या फिर quail हो गई, ये क्या करती हैं अपने जो पंजे हैं उसे मिट्टी को खनती हैं ताकि उसमें से जो छुपे हुए seeds हैं उसे निकाल सकें, छुपे हुए insects को वो निकाल सकें, खा सकें। They have 3 toes in front and 1 at the back. उनके 3 toes आगे की तरफ होते हैं और 1 जो है पीछे की तरफ होता है। Next comes wading birds. So birds that can walk over shallow water are called wading birds. ऐसे birds जो shallow water means हल्के पानी में भी चल सकती हैं उन्हें wading birds कहते हैं। They have long legs with wide with spread out toes. इनके जो legs हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे leg कितना लंबा है, and जो toes है वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं। That help them walk in water. और ये toes क्या करते हैं, उन्हें help करते हैं पानी में चलने में। तो आप देख सकते हो कितना लंबा इसका टो है। एंड हियर इज एग्जांपल ऑफ वेडिंग बर्ड, अ क्रेन। नेक्स्ट कम्स स्विमिंग बर्ड्स। सो वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड गूस हैव वेब्ड फीट। सो वाटर बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि डक हो गई या फिर गूस हो गए, इनके जो फीट हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे वेब्ड फीट होती हैं इनकी। Their feet have 3 toes in front and 1 at the back. इनके जो toes हैं उसमें 2 जो है आगे की तरफ toes होते हैं, 3 आगे की तरफ होते हैं और 1 पीछे की तरफ होता है। Between each toe is a skin web. हर एक toe के बीच में आप देख सकते हो skin का web आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों होते हैं, These help the birds while swimming. So ये जो skin का area ये क्या करता है, birds को आसानी से swim करने में help करता है।
नेक्स्ट कम्स रनिंग बर्ड्स. अब कुछ बर्ड्स हैं जिन्हें हम रनिंग बर्ड्स भी कहते हैं. द ऑस्ट्रिच इज अ रनिंग बर्ड. ऑस्ट्रिच एक रनिंग बर्ड है. इट कैनॉट फ्लाई. ये उड़ नहीं सकती. इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग. इसके जो लेग्स हैं, उसके जो पैर हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो भाग सकता है. इट इज़ द ओनली बर्ड दैट हैज़ ओनली टू टोज इन ईच फुट. ये एक ऐसा इकलौता बर्ड है जिसके पास क्या है, दो ही टोज हैं दोनों पैरों में. आप देख सकते हो यहाँ पे. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. बर्ड्स यूज द टोज टू कैच फूड एंड ईट फूड. यस ट्रू. पीजन क्रो स्पैरो आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फॉल्स. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योर सेल्फ. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेस्ट ऑफ दीज बर्ड्स. अ बर्ड्स होम इज कॉल्ड अ नेस्ट. बर्ड का जो घर होता है उसे पता है आपको क्या बोलते हैं, उसे नेस्ट कहा जाता है. बर्ड्स मेक द नेस्ट ऑन द ट्री, बुशेस, ऑन द ग्राउंड एंड रूफ ऑफ हाउस. बर्ड्स अपना घर जो है कहीं भी बना सकती है. हो सकता है कोई पेड़ पे बनाए, किसी बुश पे बनाए, जमीन पे बना लें, या किसी घर की छत पे बना लें. दे बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स. वो अपना जो ये नेस्ट बनाती है, क्यों बनाती है, अंडे देने के लिए बनाती हैं. दे कीप देयर यंग वंस वार्म एंड सेफ इन द नेस्ट. तो ये बर्ड्स क्या करती है, अपने जो यंग वंस उन्हें इन नेस्ट में सेफ रखती हैं और वार्म रखती हैं. टू मेक देयर नेस्ट दे यूज मटीरियल्स लाइक. अपने नेस्ट को बनाने के लिए ये जो है क्या, कॉटन, ट्विग, ड्राई स्टिक, ग्रास, लीव, मट, ये सारी चीज़ें यूज करती हैं. चिल्ड्रेन, डू यू नो दैट अ कुकू और कोयल डज नॉट मेक अ नेस्ट. आपको क्या पता है कि जो कोयल बर्ड होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है. इट लेज एग इन द क्रोज नेस्ट. वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाके अपने अंडे दे देती है. एंड लेट्स द मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकू. और जो मदर क्रो है वो क्या करती है, इन बेबी कुकूज का भी ध्यान रखती है अपने अंडों के साथ. नेक्स्ट इज नेस्ट ऑफ बर्ड्स. अब हम नेस्ट ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से तरीके के नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स. सो पहले आता है हमारा स्पैरो. सो इट मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेस, ट्रीज एंड एनी अदर प्रोटेक्टेड प्लेस. ये क्या करता है, अपना घर कहाँ बनाता है, किसी घर में, किसी ट्री के ऊपर, या किसी और प्रोटेक्टेड प्लेस में जहाँ लोग आते जाते ना हो. द मटीरियल इज यूज टू मेक इट्स नेस्ट आर मेनली ग्रास, लीव, स्ट्रॉ एंड कॉटन. तो ये जो मटेरियल्स यहाँ मेंशन है, इन्हें ही ये यूज़ करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए. आप देख सकते हैं स्पैरो ने कैसे अपना नेस्ट बनाया है, और उसके नेस्ट में छोटी छोटी बेबी बर्ड्स हैं. नेक्स्ट इज टेलर बर्ड. सो इट यूजेज इट्स बीक लाइक अ नीडल. ये क्या करती है टेलर बर्ड, अपनी जो बीक है उसे नीडल की तरह यूज़ करती है. टू सीव लीव्स टूगेदर. वो दो पत्तों को आपस में सिलती है. एंड बिल्ड अ नेस्ट. और घर बना लेती है. इट ऑल्सो यूजेज मटीरियल्स लाइक थ्रेड एंड वुल टू सीव द लीव्स. ये क्या करती है, मटीरियल्स को यूज़ करती है, जैसे धागा हो गया, कोई थ्रेड हो गया, या कोई वूल हो गया, इसे यूज़ करती है. और लीव्स को, दो लीव्स को सिल के उसका नेस्ट बना लेती है, उसके अंदर ही रहती है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट वल्चर बर्ड. इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाई ट्री. ये जो वल्चर बर्ड है वो क्या करती है, बड़े बड़े ट्रीज पे, बहुत ऊंचे ट्रीज पे अपना घर बनाती है. द नेस्ट लुक्स लाइक अ शैलो कप. ये जो नेस्ट है वो बहुत ही अनटाइडी नेस्ट बनाती है. इसका जो नेस्ट है वो एक शैलो कप की तरह दिखता है. द मटीरियल इज यूज टू मेक इट्स नेस्ट इंक्लूड स्टिक्स एंड ट्विग्स. ये स्टिक्स और ट्विग्स को यूज करती है नेस्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट कम्स वीवर बर्ड. सो वी इट यूजेज ग्रास, ट्विग एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट विथ इट्स बीक. तो आप देख सकते हो वीवर बर्ड कैसा नेस्ट बना रही है. ये क्या करती है, ग्रास को यूज करती है, ट्विग्स मीन्स लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, लीव्स को यूज करती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए. दीज आर एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड टू एंटर. और यहाँ पे सबसे नीचे ये क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया बना देते हैं, थोड़ी जगह बना देते हैं, जिसमें से ये आसानी से नेस्ट में घुस सकें. नेक्स्ट इज वुड पैकर. सो अ वुड पैकर मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक.
वुड पेकर क्या करता है, अपना जो घर है वो ट्री के ट्रंक में बनाता है। इट पेक्स अ बिग होल इन अ ट्री ट्रंक, ये क्या करता है, ट्री के ट्रंक में एक बड़ा सा होल बनाता है विथ इट्स बीक, अपनी बीक की मदद से। टू मेक द नेस्ट कोजी, नेस्ट को आरामदायक बनाने के लिए इट पुट सम पीसेज ऑफ वुड इनसाइड द नेस्ट, ये क्या करता है, वुड के थोड़े बहुत पीसेस नेस्ट के अंदर छोड़ देता है जिससे नेस्ट आरामदायक बन सके। तो आप देख सकते हो कि वुड पेकर और उसके बेबी बर्ड्स। नाउ चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज व्हाट एवर वी हैव लर्न हियर इन द फ्लैश बैक कॉर्नर। सो बर्ड्स आर फेदर्ड लिविंग बींग्स, ये फेदर लिविंग बींग्स हैं, दे फेदर विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। Birds have mainly three types of feathers: flight feathers, down feathers, and body feathers. So beaks of birds are situated suited to their eating habits. जो birds की beak होती है उनकी eating habit के according होती है। Different birds have different types of feet and claws. अलग अलग birds जो हैं उनके जो teeth है, feet हैं या जो claws हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। Now the next is new words. So what all new words we have learned in the chapter? Let's revise it. So the first word is talon. Talon is the sharp claw of fresh eating birds. Next, wading birds. Birds that can walk over shallow water. Perching bird kaun hoti hai? They are birds sitting or birds on tree and wires by gripping with their foot. फीट, तो बर्ड जब किसी पेड़ पे या तार पे बैठती है अपने फीट से उसे पकड़ के, दैट इज कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। नेस्ट क्या है, अ बर्ड्स होम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रेन। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज ए एक्सरसाइज विच इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव, बर्ड्स सिर्फ ऐसे इकलौती एनिमल्स हैं जिनके पास क्या होते हैं, आईज, फेदर्स, ईयर्स या फिर लेग। So the correct answer is feathers. Next, second question, which part of a bird's body is called a bill? So this one you have to do yourself, children. Now let's move on to the third one. Which of these birds make its nest by sewing two leaves together? कौन सी बर्ड है जो क्या करती है अपने नेस्ट को दो लीव्स को सिल के बनाती है, टेलर बर्ड, वुड पेकर, स्पैरो और ईगल? सो द करेक्ट आंसर इज टेलर बर्ड। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 and 4 योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। सो चिल्ड्रन हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑस्ट्रिच हैज डैश टोज ऑन ईच फुट। सो हियर यू हैव टू करेक्ट इट, दिस इज 2। सो एन ऑस्ट्रिच हैज 2 टोज ऑन ईच फुट। Now the second one is ducks have dash feet to swim in water. So ducks have webbed feet to swim in water. So what we will write here? Webbed. A bird's home is called a dash. A bird's home is called a nest. So like this children you have to do question number 4 and 5 yourself. Now, let's move on to question number 6. Question number C. Here, what you have to do, you have to name these birds. So, here are some birds given, children. What you have to do, you have to find out their names and write it here. So, this exercise is your homework. Do it yourself. So, now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here, the first one is, what is perching? So perching is sitting on wires or trees by gripping them with the claws is called perching. So when the birds sit on these wires and tree by gripping them is called perching. Next, second question is describe the leg of wading bird. So children, the wading bird have long legs with spread out toes. And these type of toes help them to walk in shallow water. Now, the third question is, what kind of nest does a tailor bird make?
and what material does it use to build it. So a tailor bird makes nest with the help of two leaves. It stitches two leaves together to make its nest, and it uses different materials such as threads and different parts of whatever cotton and these all things it uses to make its nest. So now children, like this you have to do question number 4, 5, 6 and 7 yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.